की गई है। विशाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विशाल, क्या जानकारी? अब देखिए, मैं आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बताता हूं कि सीएम योगी आदित्यनाथ बस यहां से रवाना होने वाले हैं। हाथरस में जाएंगे, वहां पर जाके पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। इसके साथ साथ वहां पर इस वक्त क्या कुछ इलाज चल रहा है और घायलों का, वहां जाएंगे, इसके अधिकारियों से बातचीत करेंगे। मैं इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद हूँ और सीएम योगी आदित्यनाथ बस कुछ देर में निकलने वाले। देखिए, आपको सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखाता हूँ, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस वक्त सीएम का जो काफिला है वो यहाँ से रवाना हो रहा है। एयरपोर्ट के लिए ये काफिला रवाना हो रहा है। एयरपोर्ट से सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ हाथरस के लिए रवाना होंगे। चूंकि आज की अगर हम बात करें तो आज जो है सीएम योगी आदित्यनाथ का बेहद अहम दौरा है हाथरस का, और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सीएम इस वक्त यहां से रवाना हो रहे हैं। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ फिलहाल लखनऊ से हाथरस के लिए रवाना हो रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री आवास से इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ रवाना हो रहे हैं। इसके साथ साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी उनके साथ मौजूद हैं और यहां से सीधे जो है एयरपोर्ट जाएंगे और एयरपोर्ट से सीधे हाथरस रवाना होंगे। तो फिलहाल मुख्यमंत्री आवास से सीएम योगी आदित्यनाथ रवाना हो गए हैं और उनके साथ में बंद हो उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद हैं और यहां से सीधे वो एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं और एयरपोर्ट से हाथरस के लिए रवाना होंगे। तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ घायलों का दर्द जानने के लिए, इसके साथ साथ जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिजनों से मुलाकात करके उनको सांत्वना देने के लिए यहां से रवाना हो रहे हैं। इसके साथ साथ सीएम ने कल ही कह दिया था कि तमाम जो आरोपी हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। लगातार कल से ही मॉनिटरिंग की जा रही थी और अब इस बीच बड़ी खबर यह है कि लखनऊ से सीएम आवास से सीएम योगी आदित्यनाथ रवाना हो चुके हैं। महज 10 मिनट में लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से सीधे जो है हाथरस के लिए रवाना हो जाएंगे। सीएम के साथ उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद हैं और दोनों लोग ही यहां से रवाना हो रहे हैं। और ऐसे में कहा जा सकता है कि एक बड़ी घटना हुई है और उस घटना को ग्राउंड जीरो पर जाकर तमाम जो परिवार के लोग हैं जिनकी जिन्होंने अपनों को खोया है उनसे मुलाकात करेंगे। इसके साथ साथ घायलों से भी बातचीत करेंगे, तमाम अधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और DGP लगातार कैंप कर रहे हैं, उनसे भी रिपोर्ट लेंगे। तो फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी लखनऊ से रवाना हो गए। जी बिल्कुल विशाल, आप बने रहिए हमारे साथ। विशाल, माना जाए कि अब सीएम योगी घटनास्थल पर पहुंचेंगे और फिर पूरी जानकारी लेंगे और क्या कुछ वहां पर, क्या वहां घायलों से भी मुलाकात करने वाले, कब तक रहने वाले, क्या कुछ उनका पूरा कार्यक्रम आया है? देखिए, जो तय कार्यक्रम था उसके अनुसार सीएम को करीब 10:30 के आसपास जो है लखनऊ से रवाना होना था, लेकिन चूंकि बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है, बारिश की वजह से सीएम जो है फिलहाल अभी रवाना हो गए हैं और उनके साथ यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद है। यहाँ से सीधे पहले सीएम एयरपोर्ट जाएंगे और एयरपोर्ट से हाथरस के लिए रवाना हो जाएंगे और वहाँ पर करीब 2 से 2.5 घंटा तक सीएम को रहना है। उसके बाद वहाँ से वो वापस लखनऊ के लिए रवाना होंगे, लेकिन उस दौरान वो तमाम मृतक के परिजनों से मुलाकात करेंगे। इसके साथ साथ जो घायल हुए हैं उनसे जाके बातचीत करेंगे, उनका हालचाल लेंगे। इसके साथ साथ जो वहाँ पर अधिकारी मौजूद हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर है कि लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ सीएम आवास से रवाना हो गए हैं। जो काफिला है सीएम का वो यहाँ से रवाना हो गया है। बस कुछ ही देर के बाद अगले 10 मिनट में लखनऊ एयरपोर्ट पहुँचेगा काफिला और उसके बाद सीधे हाथरस के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम, और उनके साथ उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद हैं। जी ठीक है विशाल, आप दर्शकों को बता देते हैं कि लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं, सीएम योगी का जो काफिला है वो निकल चुका है एयरपोर्ट के लिए और अब हाथरस सीधे सीएम योगी पहुंचेंगे। विशाल, ये भी माना जाए कि सीएम लगातार सख्त हैं और जिस तरीके से निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं, अब इसमें कोई बख्शा नहीं जाएगा, ये भी साफ तौर से संदेश उन्होंने दे दिया है। देखिए बिल्कुल, जो मुख्य आयोजनकर्ता थे उन सब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तो होगी। इसके साथ साथ बाबा जिसने इस पूरे आयोजन में जो है बड़ी भूमिका निभाई थी, खासतौर से जो उसके चरणों की धूल लेने को लेकर जो पूरा भगदड़ हुई है, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, देख सकते हैं आप कि लगातार यहाँ पर तमाम जो जो यहाँ पर अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार सुबह से ही एक जानकारियाँ जो है वो ले रहे थे। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अधिकारियों से बातचीत करने के बाद यहाँ लगातार अपडेट पहुंचा रहे हैं, बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे सीएम योगी हाथरस और वहां पर जाकर हालात का जायजा लेने वाले हैं। और यही ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, आपको बता रहे थे हम, जिसमें दाखिल हो गई है याचिका। रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की मांग की गई है,
जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। आयोजनों के लिए गाइडलाइन बनाने की भी मांग की गई है। तो अब ये पूरा मामला न सिर्फ हाई कोर्ट बल्कि सुप्रीम कोर्ट पे भी पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट में रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की मांग की गई है और इसमें यह भी लिखा गया है इस तरह से जो आयोजन होते हैं उसके लिए गाइडलाइन बनाने की मांग की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, एक याचिका दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में भी जिसमें ये कहा गया है कि रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की मांग की गई है और साथ ही जिम्मेदार जो लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाए और आयोजनों के लिए गाइडलाइन बनाने की भी मांग की गई है क्योंकि ऐसे तमाम आयोजन हो चुके हैं जिसमें पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं और एक बार फिर से ऐसा मामला सामने आया जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई है। अब इसमें बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और सवाल क्या उठ रहे हैं ये जरा आपको बताते हैं। इतनी भीड़ कैसे जुट गई, क्या इतनी भीड़ की परमिशन थी, कहां सोया था प्रशासन, सवाल ये भी उठ रहे हैं और हादसे के कितने गुनाहगार हैं, ये बहुत सारे सवाल हैं। तस्वीर आपको बता रहे हैं इतनी भीड़ कैसे जुटी क्योंकि भीड़ बहुत अधिक संख्या में थी, क्या इतनी भीड़ के लिए पहले से प्रशासन से इजाजत ली गई थी और अगर इजाजत ली गई थी तो कैसे इतनी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई, क्या इंतजाम किए गए थे इन लोगों के लिए और कहां सोया था प्रशासन, सवाल ये भी उठ रहे हैं। आयोजकों की वहां पर बड़ी लापरवाही देखी जा रही थी क्योंकि जो भीड़ उमड़ी अचानक से उसे कैसे मैनेज किया गया, आयोजक कहां थे उस वक्त, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। तो सत्संग के बाद भगदड़ मच गई, देखते ही देखते मौत का मातम पसर गया। हाथरस भगदड़ पर सबसे बड़ी कवरेज आपको दिखा रहे हैं कि कैसे सत्संग हो रहा था फिर अचानक कैसे भगदड़ मची, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और आयोजकों पर FIR भी अब दर्ज हो गई है लेकिन अभी जो बाबा है उस पर FIR दर्ज नहीं हुई है, कहां छिपा बैठा है सवाल उठ रहे हैं। देखते ही देखते मौत का मातम वहां पर पसर गया और बाबा पर सवाल उठ रहे हैं कि कहां फरार हो गया है ये बाबा क्योंकि कल उसे आश्रम जाते हुए देखा गया था लेकिन उसके बाद वो लौटते हुए उसे देखा नहीं गया है। विशाल हमारे साथ लगातार बने हुए, विशाल बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, आयोजकों पर FIR दर्ज हुई, बाबा पर FIR दर्ज नहीं हुई है, प्रशासन कहां था, इतनी बड़ी संख्या में भीड़ कैसे इकट्ठा हो गई, क्या परमिशन ली गई थी या नहीं। देखिए आपको बता दें कि आयोजक और सेवादारों के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है लेकिन आपको बता दें कि बाबा के खिलाफ भी FIR दर्ज होगी। अभी पुलिस के एक अधिकारी से हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि चूंकि मामला जो है बाबा के जाने के बाद का था तो ऐसे में साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं और उसके आधार पर जो परिजन है जिन्होंने अपनों को खोया है उनकी FIR के आधार पर जो है बाबा के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। चूंकि ये एक FIR दर्ज कर ली गई है ऐसे में ये भी हो सकता है कि एक जो नाम है चूंकि अज्ञात में नाम लिखे हुए हैं FIR में तो अज्ञात की जगह जो नेम्ड है वो बाबा का नाम जो है इसमें शामिल किया जाए और फिलहाल पुलिस की टीम जो है वो लगातार बाबा को तलाशने के लिए दबिश दे रही है और इसी कड़ी में जो जांच एजेंसी हैं वो लगातार जांच कर रही हैं और बाबा का क्या कुछ लिंक रहा है, पुराना क्या इतिहास रहा है, उन सब के बारे में जो है इकट्ठा जानकारियाँ की जा रही हैं। ऐसे में ये कह सकते हैं कि बाबा के खिलाफ एक एक जानकारियाँ जो हैं वो इकट्ठा की जा रही है और पुलिस की टीम जो है वो लगातार दबिश दे रही है, बाबा के तमाम आपराधिक इतिहास क्या रहा है और उसके बारे में पता किया जा रहा है, क्रिमिनल हिस्ट्री निकाली जा रही है और आपको बता दें कि बाबा का जो रोल रहा है इस पूरे मामले में उस रोल की पड़ताल करने के बाद ही FIR दर्ज होगी और चूंकि बाबा को खोजा जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि बाबा फरार है और कहां पर है ये पता नहीं चल पा रहा है लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे मामले में बाबा की तलाश के लिए यूपी पुलिस लगातार कई टीमें बनाकर जो है छापेमारी कर रही है। विशाल आपके पास क्या जानकारी है, कितने लोगों की परमिशन थी क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसे जो भी आयोजन होते हैं उसे परमिशन लेना होता है और परमिशन प्रशासन देता है तो कितने लोगों की इजाजत थी क्योंकि जो FIR दर्ज हुई है उसमें 2.5 लाख लोग वहां पर पहुंचे थे तो क्या वाकई 2.5 लाख लोगों को की परमिशन ले रखी थी। देखिए आपको बता दें कि बाकायदा इसके लिए लोगों से अपील की गई थी कि वो लोग कार्यक्रम में पहुंचे, इसका वीडियो भी जो है सोशल मीडिया पर डाला गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2.5 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी ये जो पुलिस की FIR में है, 80,000 का जिक्र किया गया था कि 80,000 का आयोजन किया जाएगा लेकिन 2.5 लाख एक बड़ी संख्या होती है और इसी वजह से ये कहा जा रहा है क्योंकि देखिए मौके पर CEO SDM मौजूद थे, ऐसे में इतनी बड़ी लापरवाही लोकल लेवल पर की गई है, जो अधिकारियों ने लोकल लेवल पर लापरवाही की है उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा है और इसीलिए शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम अधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए हैं कि कोई भी हो जिसकी गलती हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ऐसे में कार्रवाइयों का दौर भी शुरू होगा लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सबसे पहली जो प्राथमिकता है सरकार की भी अधिकारियों की भी कि जो घायल हैं उनका समुचित इलाज हो सके,
जिनकी इन शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है उन शवों की शिनाख्त हो पाए। इसके साथ साथ जो मृतक के परिजन है उनको जो है हर संभव मदद कराई जा सके।